हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम कंटिन्यू करते हैं मैट्राइसिस में। हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्थोगोनल मैट्राइसिस। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके बारे में कुछ हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो इधर बच्चों, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ। अब एक इक्वेशन लिखने वाला हो उसको सेटिस्फाई करेगा अगर हमारा मैट्रिसेस, तो उसको हम ऑर्थोगोनल बोलेंगे। तो लिखा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा तब हम बोलेंगे हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्थोगोनल। सिंपल सा डेफिनेशन है ये, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, अभी हम आगे देखेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, उल्टा करके लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू ए। अभी हम 2 मिनट बाद ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम तीनों को इक्वालिटी लगा देते हैं, एक काम करते हैं। क्या लिखा मैंने, ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो देखना पहला नोट में देखो, अब इक्वेशन क्या है मेरी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब क्या किया मैंने, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ठीक है ना, ऑन बोथ साइड। तो देखो इधर से मेरा क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उन दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, वी नो इट इज 1। अब ये भी पता है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, बराबर होते हैं। तो आई कैन राइट दिस एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इधर से मुझे मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है, अभी बताता हूँ क्यों, ठीक है। उससे पहले क्या करो, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मिला इधर, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दैट इज इधर प्लस 1 और माइनस 1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन जीरो है, प्लस माइनस 1 है, इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख लेते हैं हम इसी के अंदर, नेक्स्ट नोट कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो इधर ऐसे लिख लो इन्वर्टेबल और ब्रैकेट में लिख लो नॉन सिंगुलर क्योंकि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखना, नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था जब हम डेफिनेशन लिख रहे थे, तो मैंने क्या लिखा था, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स इस इक्वेशन को होल्ड कर रही है तो ए को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑर्थोगोनल। फर्दर मैंने इधर तुम्हें लिखा था दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसका प्रूफ और देख लेता हूं इस नोट में, ठीक है ना। तो देखता क्या लिख रहा हूं मैं, क्या किया हमने इस इक्वेशन में, देखना हम इस इक्वेशन से चलते हैं। इस इक्वेशन में मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स। तो देखना क्या बनेगा, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ए इनवर्स इंटू ए इज आई, और आई इंटू एनी मैट्रिक्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स। तो आई इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है। अब सुनना, अब क्या किया हमने, अब पोस्ट मल्टीप्लाई विथ ए, देखना आप ध्यान से, ए से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इधर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ये तो गया ए ट्रांसपोज इंटू ए, और देखो इधर क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है आई। तो प्रूफ हो गया हमारा, यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आई, हैंस प्रूफ। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो इसको तुम लोग कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं,
और शीट करते रहना, बिकॉज 1 जून से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? फिर उस पर हम लग जाएंगे, क्योंकि वो मतलब ये समझ लो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें तो हम जब हम उस चैप्टर को करेंगे तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि बाकी चैप्टर्स का प्रैक्टिस करो तुम। तो उससे पहले 1 जून से पहले जितना भी हो सकता है मैट्रिसेस की शीट कंप्लीट करके रखो। एटलीस्ट तुम्हें जो अरिहंत की दी थी वो करो, और अगर टाइम मिलता है तो यू कैन अटेम्प्ट आरडी शर्मा ऑल्सो, ठीक है? चलो, तो हमारे 2 नोट हो गए। अब देखना नेक्स्ट इज, अभी देखना, जैसे मैंने लिखा ए इंटू, नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसको मैट्रिक्स बी बोला, तो ये मेरा ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दे दे तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा ये। तो अब सुनना, इधर से क्या आ रहा, बी इंटू बी ट्रांसपोज इज आई। तो अगर ए अगर ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि देखो मैंने बोला कोई भी मैट्रिक्स है, इधर चाहे ए ट्रांसपोज लिखूं, फिर मैं लिखूं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी आई होगा ना। इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं कि अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा। तो इधर लिख लो तुम लोग इसी नोट में, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चल अब एक और चीज नेक्स्ट। अब देखना, कोई मदर इक्वेशन लेते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब मुझे पता है कि डिटरमिनेंट तो 0 होता नहीं अगर मैट्रिसेस इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इफ इट इज ऑर्थोगोनल। तो क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया। तो देखना मेरा इधर से क्या आया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। तो देखना इधर से क्या आया, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। तो दिस इज आई, एंड आई इंटू ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यही बहुत अच्छी चीज आ गई, ठीक है? क्या आ गई, इससे क्या पता चला कि अगर ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स और उसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो हम सिंपली बोलेंगे दैट इज ए ट्रांसपोज ओनली। उस मैट्रिक्स का केवल ट्रांसपोज ले लो तो तुम्हें इनवर्स मिल जाएगा। बाकी हम आगे चल के इनवर्स का प्रॉपर मेथड देखेंगे कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा टॉपिक, वो इनवर्स और एडजॉइंट ही होगा। बट फॉर टाइम बीइंग क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, कि अगर किसी मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इनवर्स निकालना थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी मतलब एज कम्पेयर टू ट्रांसपोज इट इज लेंदी। तो लेकिन मुझे अगर पता है कि वो ऑर्थोगोनल है तो डायरेक्टली बोल दूंगा इनवर्स क्या होगा उसके ट्रांसपोज के बराबर। और ट्रांसपोज निकालना तो 1 सेकंड का काम होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करो बस। समझ में आया बच्चों? तो इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे, क्लियर है? अच्छा, एक और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं नोट के फॉर्म में, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। अगर मैंने ऐसे लिखा आई इंटू आई ट्रांसपोज, अब आई को मैं किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अच्छा, अब मैं इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूं जो मेरी ट्रांसपोज सॉरी ऑर्थोगोनल के लिए यूज होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई होता है तो ए को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल। तो अब ए की जगह मैं आई को रख रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज ऑर्थोगोनल। समझ में आया बच्चों क्या लिखा मैंने, आई इंटू आई ट्रांसपोज आई होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, वो कंफर्मेबल होना चाहिए, मतलब ऑर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो। तो ठीक है, वो हमने एज्यूम कर लिया है, तो क्या होगा ऑर्थोगोनल, क्या वो आई जो होगा हमारा ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर बच्चों? चलो इसी में एक और पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है? एक और नोट क्या है, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ ए एंड बी, एज एग्जाम्पल की तरह भी तुम इस नोट को ट्रीट कर सकते हो। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन, एंड इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन ए इंटू बी विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल, विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा जो लिखा है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम लोग एज ए क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन ट्रीट करके खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, और मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी। तो बिफोर दैट आई एम रबिंग इट, देखना क्या बोला उसने कि दो मैट्राइसिस है हमारे पास ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है एन है, एंड बोथ आर ऑर्थोगोनल। तब हमें प्रूव करना है जो ए बी है,
ए बी इज मैट्रिक्स, वन मैट्रिक्स, ए इंटू बी एक मैट्रिक्स होगा, वो ऑर्थोगोनल होगा। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बोला था, मैं अगर मान लो प्रूव करना है कोई बड़ा सा मैट्रिक्स है ए इंटू बी इंटू समथिंग जो भी है, अगर मुझे लेट से प्रूव करना है वो अपना स्क्यू सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, तो हम उसको पहले एक सिंगल मैट्रिक्स मान लेते हैं सी। तो उसी तरीके से मैंने इसको मान लिया, लेट क्या बोला सॉल्यूशन करने के लिए, लेट ए बी इज इक्वल टू सी। अच्छा अब मेरे को प्रूव करना है कि ए बी जो है वो अपना ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब सी ऑर्थोगोनल है, तो मैं क्या प्रूव कर दूं, सी इंटू सी ट्रांसपोज। अगर मैंने प्रूव कर दिया आई के बराबर है, ये मुझे क्या, अगर ये प्रूव कर दिया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा क्या कि ए बी इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अच्छा और इसने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है हमें कि ए और बी ऑर्थोगोनल है, तो इसका यूज मैं कैसे करूंगा, ये देखो ये तो प्रूफ हो गया, और गिवन डाटा क्या है, मैथमेटिकल डाटा ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये गिवन इक्वेशन है हमारी, और b इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, एक इक्वेशन ये हमारी, दीज टू आर गिवन, मतलब इन दोनों का यूज करूंगा मैं इसको प्रूव करने के लिए। तो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, तो इधर c की वैल्यू रखी, तो a b इंटू ए बी का ट्रांसपोज। अच्छा अब ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी जो हमने कल सीखी थी, क्या सीखी थी, a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ बोला था, तो उसी इधर लगा दिया वो, तो ये तो हो गया a इंटू बी, और ये हो गया b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, रिवर्सल उल्टा हो गया। अब इन दोनों को क्लब कर लिया, b इंटू b ट्रांसपोज गिवन क्या है, आई है, तो a आई a ट्रांसपोज। अब a का मल्टीप्लाई, आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करो वही मैट्रिक्स आता है, तो a इंटू आई कितना हो गया a, और ये हो गया a ट्रांसपोज, एंड अगेन लास्टली a इंटू a ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा i, क्योंकि ये गिवन है a इज ऑर्थोगोनल, तो दिस इज i, तो ओवरऑल क्या प्रूफ हो गया, c इंटू ट्री c ट्रांसपोज इज i, हेंस c इज ऑर्थोगोनल, और c है क्या हमारा ab, हेंस ab इज ऑर्थोगोनल, है ना, मजेदार सी, समझ में आया बच्चों। चलो तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अब लास्ट नोट लिख रहा हूं और उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, क्योंकि वही नोट है जिसके ऊपर प्रीवियसली भी जेई में क्वेश्चन बहुत बार आया है, इनसे भी आया है, ठीक है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, तो उसको ध्यान से सुनना, पहले इसको कॉपी कर लो तुम लोग। देखना मैं क्या लिख रहा हूं नोट के फॉर्म में, देखना मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, लेट से A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स, और मेरे को दिया कि ये ऑर्थोगोनल है, दिस इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन इन इन गिवन कॉन्स्टेंट्स, इन गिवन कॉन्स्टेंट, ठीक है, क्या दिया है कि एक ये ऑर्थोगोनल एक मैट्रिक्स दिया 3x3 का, उसमें बोल रखा है दिस इज ऑर्थोगोनल, तब मुझे इन कॉन्स्टेंट्स में एक रिलेशन निकालना है, क्या वो रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मुझे पता है कि ये अगर ऑर्थोगोनल है, तो लेट्स से दिस इज ए, तो अगर ये ऑर्थोगोनल है तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i, तो इधर से मेरा क्या हो जाएगा a इंटू a ट्रांसपोज इज इक्वल टू i, अब मैं वैल्यू प्लग कर देता हूं, तो a मेरा क्या हो जाएगा, इधर देखो यहां से a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, अब इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 b1 B2, B3, C1, C2, C3. This is equal to identity matrix, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो देखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, इसका रो 1 इसके कॉलम 1 से होगा, तो क्या आएगा A1 square, A2 square, A3 square. तो इधर मैं ऐसे लिख रहा हूं सिग्मा A1 square. ठीक है, अच्छा फिर इसका रो 1 इसके कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो इधर आएगा, तो क्या आएगा देखना क्या लिख रहा हूं A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं सिग्मा A1 B1, फिर इसका रो 1 इसके कॉलम 3 से A1 C1 A2 C2 A3 C3, तो क्या आएगा सिग्मा A1 C1, क्लियर है बच्चों। अब इधर देखो, अब इसका रो 1 रो 2 उठाया इसका कॉलम, तो B1 A1 B2 A2 B3 A3, तो इसको लिख लूंगा सिग्मा A1 B1, फिर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, तो सिग्मा b1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा रो 2 कॉलम 3 b1 c1, तो
सिग्मा बी वन सी वन। फिर लास्ट रो देख लेते हैं इसका, इसका रो थ्री उठाया, इसका कॉलम वन, तो सी वन ए वन तो सिग्मा ए वन सी वन, सी वन बी वन तो सिग्मा बी वन सी वन, एंड लास्टली सी वन स्क्वायर सी टू स्क्वायर सी थ्री स्क्वायर तो सिग्मा सी वन स्क्वायर। सो दिस इज गिवन एज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे पता है कि दो मैट्रिसेस बराबर होती हैं, तो हम क्या करते हैं दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करते हैं। तो लेट मी फर्स्ट रब द बोर्ड और मैं फिर हम कंडीशन को इक्वेट कर देते हैं। जो भी नंबर आ रहा है जैसे सिग्मा ए वन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, सिग्मा ए वन बी वन जीरो के बराबर, एंड सो ऑन। तो वही चीज मैंने निकालनी थी कि वो रिलेशन क्या होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो तुम लोग पॉज करके कॉपी कर लेना। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, 6 कंडीशन आने वाली है, ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। एक तो ये वाला 1 के बराबर, तो सिग्मा ए वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, फिर सिग्मा बी वन स्क्वायर भी 1 के बराबर, तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ सिग्मा बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा सी वन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक तो ये कंडीशन आई हमारे, 3 इक्वेशन है ये, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान से देखना, अब कोई को लगेगा 9 कंडीशन, एक्चुअली 6 कंडीशन इसलिए है क्योंकि ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट दिख रहा है बराबर है, वो है किसके बराबर, 0। तो सिग्मा ए वन सी वन इज इक्वल टू, सिमिलरली ये वाला और ये दोनों, जैसे मैंने बोला ये दोनों, वैसे ये दोनों बराबर है और है किसके बराबर, 0 के बराबर, तो सिग्मा ए वन बी वन, और लास्टली सिग्मा बी वन सी वन ये दोनों बराबर है और है किसके बराबर, 0 के बराबर, तो सिग्मा बी वन सी वन बी वन सी वन दिस इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल यू विल हैव 6 कंडीशंस। इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा वो हम जस्ट अभी इसके तुरंत बाद देखने वाले हैं, पहले हम इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखेंगे इन कंडीशन को है क्या बेसिकली, ठीक है। उससे पहले तुम क्लियर कर लो तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, सिंपल कुछ नहीं किया है मैंने, एक मैट्रिक्स दे दी थी 3x3 की, उसके अंदर हमारे कॉन्स्टेंट्स थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर मैंने बोला कि वो जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 B1 C1 वगैरह, उनमें जो भी रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो फिर हमने क्या किया, A into A ट्रांसपोज I के बराबर किया, फिर दोनों को मैट्रिसेस को इक्वेट किया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, तो वी हैव गॉट 6 इक्वेशंस। तो इधर लिख लो देयर आर टोटल 6 इक्वेशंस, ये दोनों क्या है, टोटल 6 इक्वेशन, टोटल 6 इक्वेशंस, 9 नहीं है, 9 एलिमेंट को बराबर किया, बट एक्चुअली ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो 6 इक्वेशंस बची हमारी, 9 नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मैं ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट है जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ, इसी के ऊपर लिखवा रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। देखना जो मैंने इनिशियल मैट्रिक्स ली थी, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, मैंने ली थी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये ली थी मैट्रिक्स, दिस इज माय मैट्रिक्स ए, लेट्स से मैंने बोला ये ऑर्थोगोनल थी, अच्छा ये ऑर्थोगोनल थी, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, सिग्मा ए वन स्क्वायर सिग्मा बी वन स्क्वायर इन सबका एडिशन 1 है, अच्छा एक चीज तो ये, और ध्यान से देखो कि A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 भी 0 है, फिर A1 B1 A2 B2 A3 B3 भी 0 है, फिर B1 C1 B2 C2 B3 C3 भी 0 है। तो इसके आधार पे देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम इन तीन रोज को, दैट इज रो 1 रो 2 और रो 3, क्या बोला मैंने, रो 1 रो 2 और रो 3, ध्यान से सुनना, रो 1 रो 2 रो 3 को मैं 3 वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूँ इनको, ठीक है ना, विच आर यूनिट वेक्टर एज वेल एज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, द 3 रोज ऑफ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैन बी ट्रीटेड एज अ 3 यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर क्यों बोला, देखो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है इसका, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, कब, अगर मैं इसको एक यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ये जो A1 A2 A3 है दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर। क्या बोला मैंने, रोज The three rows can be treated as a components of three mutually perpendicular unit vectors. ऐसे लिख लो, the three rows. अभी देखना मैं कॉलम के लिए भी बोलने वाला हूँ, तो अभी लिख लेते हैं three rows या कॉलम लिख लो, the three rows or columns of a orthogonal matrix can be treated as a component. As a component of a three mutually perpendicular unit vectors.
बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जेई में आ भी चुका है इस नोट के ऊपर। अब डायरेक्ट लिखवाता तो समझ में नहीं आता, इसलिए हमने पहले इसका डेरिवेशन देखा। समझ में आया? क्योंकि देखो ये क्या डॉट प्रोडक्ट है ना इसका, इस अगर मान लो एक वेक्टर मैंने माना, एक वेक्टर मैंने माना ए वन आई ए टू जे ए थ्री के और दूसरा वेक्टर माना बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, तो ये दो, ये जो दे रखा है क्या बोलते हैं ये वाला ए वन बी वन, इसका डॉट, ये डॉट है ना प्रोडक्ट, तो ये दोनों अगर जीरो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, मतलब अगर मान लो मैं इसको a1 वेक्टर मान रहा हूँ और इसको a2 वेक्टर मान रहा हूँ, तो ये जो लिखा है ये मेरा क्या लिखा है a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, और ये जीरो दिया है इसका मतलब a1 और a2 क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर इसको a3 बोल रहा हूँ तो a1 और a3, सिमिलरली a2 a3, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है प्लस इनका स्क्वायर का एडिशन 1 आ रहा है, इसलिए मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, इसलिए वो यूनिट वेक्टर भी है। दो चीजें हैं ठीक है ना, यूनिट वेक्टर प्लस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों? आई थिंक मैंने बहुत स्ट्रेस दे दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक है तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग। अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसी पर्टिकुलर नोट के ऊपर। तो बिफोर दैट आई विल रब द बोर्ड, ठीक है जस्ट कॉपी इट। इसके ऊपर जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर कि हम रोज और कॉलम्स को, अच्छा एक चीज और, जैसे अभी मैंने बोला था तुमको समझाया तो मैंने रोज के हिसाब से था बट कॉलम भी लिखा है इधर, इसको देख लेते हैं ऐसा क्यों। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, ये तो पता ही है हमें। क्या बोला था कि ए अगर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है। तो मैंने अगर ए मैट्रिक्स को पहले मैंने ए वन ऐसे माना, ए वन ए टू ए थ्री, फिर बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा हमारा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब मैं इसको ट्रीट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस इज बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी ट्रांसपोज। तो अब मैं स्टार्ट इससे करता हूँ तो वही चीज बनेगी, पर इसमें क्या हो जाएगा हमारा कॉलम वाइज हो जाएगा। तो हम कॉलम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, रोज की तरह भी, बोथ विल वर्क, मतलब दोनों कंडीशन होल्ड करेंगे, चाहे तुम रोज को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या फिर कॉलम्स को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन। चलो अब हम देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। हाँ तो ये होगा हमारा इस, ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो क्या दिया है क्वेश्चन में कि लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दो इक्वेशन दे रखे, सॉरी तीन इक्वेशन दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड ए सी प्लस बी डी इक्वल टू जीरो। और फिर मुझे निकालना है फाइंड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए बी प्लस सी डी। अच्छा अब सुनना, अगर मान लो एक मिनट के लिए मैं मैट्रिसेस भूल जाऊं तो इस क्वेश्चन को देख के कहीं भी मुझे हिंट नहीं लगता कि मुझे मैट्रिसेस का यूज करना है, पहली दिक्कत वो है इसमें, ठीक है। अच्छा एक चीज अगर मान लो मैंने मैट्रिसेस मुझे इन्वॉल्व नहीं करना तो एक थॉट प्रोसेस क्या होगा कि ए बी सी डी चार वेरिएबल है, गिवन इक्वेशन तीन है, तो इसका मतलब हमें एक वेरिएबल का आंसर दूसरे के टर्म्स में मिल जाएगा। मतलब हम जो एक दो तीन चार वेरिएबल है उन चार को किसी एक के टर्म्स में लिख लेंगे और फिर इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइट भी वो कैंसिल वगैरह हो जाए, बिकॉज जैसे चार इक्वेशन चार वेरिएबल होते हैं तो इन जनरल हमें उनकी वैल्यूज निकालने के लिए चार इक्वेशन चाहिए होती हैं। बट इधर क्या है, जैसे कि मैंने देखा ए बी सी डी चार वेरिएबल है और इक्वेशन है हमारे पास तीन, तो कुछ तो मतलब लॉजिकल चीज ऐसी हो रही होगी कि या तो एक इक्वेशन से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इन दो वेरिएबल की वैल्यू क्या है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो तीन चारों वेरिएबल वो किसी एक के टर्म में लिखे हो जाएं और जो मुझे निकालना है उसके अगर अंदर मैं वो चीज रख दूं तो कटपिट करके मेरे को एक आंसर मिल जाए क्लीन, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द लाइन ऑफ थिंकिंग अगर मेरे को मैट्रिसेस से नहीं सोचना है तो, ठीक है। उससे भी तुम लोग एक बार ट्राई करना, क्या करोगे तुम लोग जो ए वाली जो इक्वेशन दी तीन इक्वेशन, इन तीनों से क्या करना ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, सिंपल ट्राई टू कैलकुलेट इट, देखते हैं क्या होता है। मैंने ट्राई नहीं किया, यू जस्ट ट्राई इट, ए बी सी डी की वैल्यू आ जाए उसके बाद इसमें और इस वाले एक्सप्रेशन में रख देना जिसका मुझे वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो देखना जैसे कि अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है क्या कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसके जो रोज या कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से देखें, मुझे ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन दे रखा है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वन दे रखा है, इसका मतलब ए बी एंड सी एंड डी आर द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, ए बी और ये हो गया सी और डी। देखना मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ऐसे लिखा मैंने मैट्रिक्स ए को, नाउ अकॉर्डिंग टू दीज थ्री रिलेशन, कौन सा, एक तो ये वाले दो रिलेशन और एक ये रिलेशन, आई कैन कमेंट कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम उल्टा कर रहे हैं,
जैसे मुझे क्या दिया होता था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी होती तो फिर मैं बोलता था दी सिक्स रिलेशन होल्ड्स फॉर 3x3, बट अगर 2x2 होगा तो हमारे पास तीन रिलेशन आएंगे। तो अब हमारे पास रिलेशन दिया है, अब मैं उल्टा कमेंट कर रहा हूं कि दिस मैट्रिक्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल। क्लियर हुआ, उल्टा जा रहे हैं हम। अच्छा चलो ये तो हो गया, क्लियर, समझ में आया होगा। अब देखते जो निकालना है वो क्या है। अब देखो, अब मैंने जो बोला था कि हम रोज को भी ट्रीट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर की तरह और कॉलम्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। ये लिखते वक्त मैंने जो कंडीशन यूज की थी उसके हिसाब से मैंने रोज को यूज किया, बट मैंने क्या बोला था कि हम कॉलम्स को भी यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वो भी एकदम करेक्ट है। तो अब मैं अगर इधर कॉलम्स को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट करूं तो इन दोनों के स्क्वायर का सम और इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, यूनिटी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू वन और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। तो उसमें से तो हमें ये तो पूछा ही है, देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो डायरेक्टली आ गया वन, ये पूछा नहीं है बट अगर पूछता तो उसका आंसर होता वन। क्लियर, समझ में आया क्या बोला मैंने। इधर मैंने कॉलम्स को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट किया है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा ये दूसरी, अब परपेंडिकुलर वाली चीज यूज कर लेते हैं। तो C1 मेरा एक वेक्टर है, C2 एक वेक्टर है एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो A into B plus C into D that will be zero, और यही मुझसे पूछा है। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई वन, इसकी हो गई जीरो, दैट्स इट। तो देखा अगर हमें क्लिक कर गया कि ये मैट्रिसेस से हो सकता है अगर ये पर्टिकुलर, तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, मतलब हमें पेन पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें, ओरली वी कैन गिव द आंसर। बट उसके लिए हमें ये वाला पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा हुआ होना चाहिए कि दैट इज ऑर्थोगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स होती है तो उसके अंदर हम जो कॉलम्स और रोज हैं उनको यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम देखते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अल्फा बीटा गामा इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अल्फा बीटा गामा इफ, अभी एक मैट्रिक्स दे रखा है जीरो अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा, दे रखा है दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इसको हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालनी है सच दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो अगेन अगर एक बार क्या करो, तुम लोग खुद से ट्राई करो और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोग बच्चों का आ जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये टॉपिक और रिलेट हो रहा है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, बट अभी मैं डिस्कशन करता हूँ, तुम लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो। अब देखना, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि हम रोज को और कॉलम्स को दोनों को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करेगा हम कैसे कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अब खुद सोचो कि कॉलम्स को यूनिट वेक्टर बोलना ज्यादा उससे ज्यादा आसान रहेगा या रोज को, तो मेरे को आंसर मिलेगा कॉलम्स को। क्यों, क्योंकि अगर मैंने कॉलम्स को यूनिट वेक्टर माना तो इसको यूनिट वेक्टर मानूंगा तो अल्फा की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी मेरी एज कंपेयर टू इसके, इससे तो क्या होता अल्फा बीटा में रिलेशन आता, फिर दो इक्वेशन बनानी पड़ती, उन दोनों को सॉल्व करना पड़ता, इससे मेरा क्या होगा कॉलम्स में बनाने में मेरा डायरेक्टली अल्फा आ जाएगा, फिर इधर भी डायरेक्टली बीटा आ जाएगा, इधर डायरेक्टली गामा आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा जीरो स्क्वायर मतलब जीरो प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो इधर से अल्फा कितना आया मेरा टू अल्फा स्क्वायर वन, अल्फा स्क्वायर इज वन बाय टू, अल्फा विल बी प्लस माइनस वन बाय रूट टू। समझ में आया बच्चों क्या किया मैं कॉलम्स को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सेकंड कॉलम टू को करूंगा तो फोर बीटा स्क्वायर टू बीटा का स्क्वायर और फिर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो जैसे बीटा आ जाएगा वन बाय सिक्स प्लस माइनस का रूट सिक्स। क्लियर है, और लास्टली गामा निकालने के लिए गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो जैसे गामा की वैल्यू कितनी आएगी वन बाय थ्री प्लस माइनस का अंडर रूट, तो प्लस माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो देखा एक ही झटके में हमारी वैल्यू आ गई। अच्छा कुछ सोचो, एक मिनट के वीडियो पॉज करके, क्या मैं ये बोल दूं कि ये अल्फा बीटा गामा होंगे कि मुझे कुछ और वेरीफाई करना पड़ेगा, सोचो एक मिनट के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऑल्दो आ गई मेरे पास और वो करेक्ट भी है, बट एक चीज मुझे वेरीफाई करना पड़ेगी, क्या अभी मैंने क्या फैक्ट यूज किया अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए कि जो C1 C2 C3 लिखे हैं दे आर यूनिट वेक्टर्स, बट मुझे अभी ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा या क्या बोलेंगे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं,
नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है ये तो आए बट वो परपेंडिकुलर नहीं है, hence there is no such value of alpha beta gamma. So before giving the answer we will verify कि C1 C2 mutually perpendicular है या नहीं. तो देख लेते हैं. तो C1 C2 का डॉट लिया तो देखना 0 into 2 beta 0, alpha into beta alpha beta, alpha into minus beta minus alpha beta. तो देखा 0 आ गया. Similarly C1 C3 का डॉट प्रोडक्ट लिया तो 0 into gamma 0 plus alpha into minus gamma minus alpha gamma plus alpha into gamma plus alpha gamma. तो 0. And lastly C2 C3 का लिया तो 2 beta into gamma 2 beta gamma minus beta gamma और माइनस बीटा गामा, अगेन दिस इज 0. तो ये तो अल्फा बीटा गामा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. अल्फा बीटा गामा कुछ भी रख लो, अगर मैंने कॉलम्स को यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट किया दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो मुझे ये वैल्यूज भी रखने की जरूरत नहीं है परपेंडिकुलर चेक करने के लिए. हैंस आई कैन से दीस आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा. क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा एक चीज और है छोटी सी, देखना. अभी तो मुझे बोला था कि केवल अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो. इन केस अगर मान लो इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो क्या बोल सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स सच मैट्राइसिस. उसमें मतलब सच ऐसी कितनी मैट्राइसिस होंगी जिसके लिए दिस विल बी ऑर्थोगोनल. तब क्या करेंगे, तब थोड़ा सा हमारा पीएनसी का वर्क आएगा. क्या आएगा, लेट से जहां जहां अल्फा लिखा उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग ये बॉक्स है, ये बीटा के करस्पॉन्डिंग है और ये गामा के करस्पॉन्डिंग है. तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम कि अल्फा की दो वैल्यूज पॉसिबल है. तो इसको मैं प्लस माइनस 1/√2 से भर सकता हूँ, मतलब इसको मैं टू वे से भर सकता हूँ, either plus half or minus, sorry, plus 1/√2 या minus 1/√2. Similarly, this corresponds to beta. ये alpha के लिए था, ये beta के लिए, ये gamma के लिए. Here also I can fill beta with two different values, that is plus minus 1/√6. So इधर भी two ways. And lastly here also two ways. So you can see total कितने combination बनेंगे? 8 ways. ठीक है ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इनको इनको भरने का तरीका इज इंडिपेंडेंट, इधर क्या भरा है, हेंस वी विल मल्टीप्लाई दिस. सिमिलरली गामा क्या है, वो इंडिपेंडेंट है कि तुमने अल्फा बीटा को क्या लिया. तो 2 × 2 × 2 दैट इज टोटल 8 नंबर ऑफ वेज. तो ऐसी 8 मैट्राइसिस बनेंगी जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगी, वो जो कि ऑर्थोगोनल होंगी. समझ में आया बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्राइसिस. तो उससे पहले वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो और मैं इसको रब कर देता हूँ. क्या बोला? अब जो टॉपिक है वो अगेन ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का. और ये मान सकते हैं कि अगर मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता है तो 30-40% चांसेस है कि जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एडजॉइंट एंड इनवर्स उसी से क्वेश्चन आए. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट रह जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो बाकी हम वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमिनेंट में भी कवर किए, बट उसको मैं मैट्रिक्स मेथड से भी बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दोस. तो वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा. दिस विल बी अवर सेकेंड लास्ट, दैट इज इनवर्स एंड एडजॉइंट. तो लिख लेते हैं पहले हम टॉपिक का नाम, इनवर्स इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक, तो जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि इनवर्स का डिस्कशन हमारा आगे चल के आने वाला है, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में तुम्हें लोगों को दे ही दिया था कि इनवर्स होता क्या है बेसिकली. ठीक है, डिफाइन कब होता है, जब वो नॉन सिंगुलर हो, वो सब चीजें थोड़ा बहुत आइडिया दिया था. अब हम इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले हम एडजॉइंट को समझते हैं, एडजॉइंट होता क्या है. ठीक है, तो पहले लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम उसका डेरिवेशन देखेंगे. तो देखना एडजॉइंट का मैं क्या बोला, देखो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो पहले, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, नोटेशन यूज कर रहा हूं मैं, ए आई जे एन क्रॉस एन. फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय देखना मैं कैसे लिख रहा हूं. ए का एडजॉइंट क्या लिखूंगा, ए डी जे और इस ब्रैकेट में ए, इससे तो डिनोट करूंगा. किसका, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट इज डिनोटेड बाय एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए, एंड इज डिफाइंड एज एंड इज डिफाइंड एज अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू, देखना ध्यान से देखना बच्चों, सी आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन इसका ट्रांसपोज. क्या लिखा मैंने, बेसिकली जो मैट्रिक्स ए है
उससे एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ऐसे ऐसे भी लिख लो इसको लैंग्वेज फॉर्म में, हिंदी में लिखना है या जो भी लैंग्वेज यूज करना है, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इज कोफैक्टर का ट्रांसपोज। समझना, सी स्टैंड फॉर सी ट्रांस कोफैक्टर वाला मैट्रिसेस। इसका कोफैक्टर वाला मैट्रिसेस हम थोड़ा सा उधर भी डिस्कशन किए थे, किधर अपना डिटरमिनेंट में आखिरी आखिरी में, और इधर अब हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल फॉर टू क्रॉस टू देख लेते हैं, फॉर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स देखना ध्यान से। मैंने बोला लेट से ए इज गिवन बाय 1 2 3 4। ठीक है, अब मैंने बोला इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो पहले क्या करें हम इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालते हैं, सी मैट्रिक्स देखना, सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स के बाद क्या करूंगा, उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, तो आई विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सी कैसे आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे आएगा, इन एलिमेंट्स को क्या करूंगा, इनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा। तो 1 का कोफैक्टर क्या है, 4, तो इधर आ जाएगा मेरा 4। फिर 2 का कोफैक्टर क्या है, 3 नहीं बोलना, -3 बोलना, क्यों, -1 की पावर आई प्लस जी आता है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग रो तो 1 है, कॉलम 2 है, तो 2+1 3 आएगा, तो -1 की पावर 3 आएगा, तो माइनस आएगा इधर, तो माइनस ऑफ 3। ध्यान से देखना, 2 का कोफैक्टर इज -3, वो लिखा है मैंने, ठीक है ना। माइ अच्छा, फिर वैसे भी याद रख सकते हो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह करके, ठीक है ना। अब 3 का कोफैक्टर क्या होगा, ये गया 2, तो दिस इज 2 बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 3 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -1 की पावर 1+2 2+1 विच इज -1। एंड लास्टली 4 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1। क्या ये मेरा एडजॉइंट है अभी, नहीं, इसका ट्रांसपोज लूंगा तो एडजॉइंट बनेगा, इसमें लिखा है ना कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये तो कोफैक्टर है। अब फाइनली मेरा एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये का इसका ट्रांसपोज, तो दिस इज 4, दिस इज -3, दिस इज -2 एंड दिस इज 1, सो दिस विल बी माय आंसर। समझ में आया बच्चों क्या बोला, तो एक बार हम 3x3 का और देख लेते, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तो बिफोर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस डेफिनेशन, आई एम रबिंग दिस नाउ। क्या मैंने बोला, एक 3x3 का और एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट। ठीक है, डायरेक्टली तो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि एडजॉइंट निकालो, बट फिर भी एक पता तो होना चाहिए कैसे निकालना है, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें यूज होगा हमारा एडजॉइंट निकालना। ऐसे सिंपली डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, ठीक है ना, उतना सिंपल तो नहीं आएगा। हाँ, उस चीज का एप्लीकेशन आएगा कि बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें हमें हो सकता है एडजॉइंट की जरूरत, निकालने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार 3x3 का एडजॉइंट निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद वी विल सी हम कुछ इन प्रॉपर्टीज एडजॉइंट और इनवर्स का। चलो देखना, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 1 0 1 3 1 -1 2। चलो ये ले लिया, फिर मैंने बोला फाइंड एडजॉइंट। तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करो फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन वेरीफाई करो तुम्हारा सही आया या नहीं आया। मैं इसको देखता हूं, तो पहले मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेता हूं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, उस कोफैक्टर का मैं क्या करूंगा ट्रांसपोज ले लूंगा। तो पहले कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स, तो हर एक एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, ध्यान से देखना। 1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये गया 1 into 2 2 -3 -1, तो -1। फिर 2 का कोफैक्टर ये गया 0 into 2 -1 into 3, तो -3, और एक माइनस पहले से आएगा तो +3। फिर 1 का कोफैक्टर ये गया 0 -1 विच इज -1, तो -1 आ गया। समझ में आया, फिर इस 0 का कोफैक्टर ये लाइन गई, ये गया 2 into 4 -1 3, और एक नेगेटिव आएगा तो -3। फिर इस 1 का कोफैक्टर ये गया 2 -1 विच इज 1, तो 1। फिर हमारा इधर आया ये गया 1 -2 -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर उसको कैसे निकाला एक बार देख लो, ये निकाला हमने किसका, 3 का कोफैक्टर, देखो मैंने कैसे निकाला, ये वाला गया, ये कॉलम गया, तो 1 into 1 1 -2 into 1 2, और इसके आगे -1 की पावर i प्लस j, और ये क्या है हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2+3 5 आएगा, तो -1 into -1 +1। अब इस 1 का देखते हैं, ये गया 3 2 6 -1 5। फिर अब इस 1 के लिए ये गया तो 3 -0 3 विद नेगेटिव साइन। देखो अगर तुम्हें देखो लग रहा है ना बार बार पॉजिटिव कंफ्यूजन हो रहा है कब पॉजिटिव ले, पहले क्या करो सभी को पॉजिटिव मान के लिख दो, वो -1 की पावर आई प्लस जी मत लिखो, फिर क्या करो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते जाओ, वो एक तरीका, तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको इस 2 का करेंगे, तो ये गया 1 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये अभी मेरा एडजॉइंट नहीं निकला, एडजॉइंट क्या बोलूंगा मैं, देखना ध्यान से,
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज, तो इधर रो क्या थी 1 3 -1, तो इधर कॉलम हो जाएगा 1 3 -1, फिर -3 1 1, एंड लास्टली 5 -3 -1, सो दिस इज व्हाट माय एडजॉइंट ऑफ। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, बहुत आसान है। तो दिमाग में क्या रखेंगे, एक ही चीज याद रखेंगे, एडजॉइंट मीन्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट मीन्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है चलो, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारे जेई में बनेंगे वो इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है चलो, और उसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इनवर्स का डिस्कशन भी ले लेंगे। ठीक है, इनवर्स को हम वाया प्रॉपर्टीज ही ड्राइव करेंगे। चलो तो पहला प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं, ठीक ना, मेन प्रॉपर्टीज ही है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन आता है जेई में इसके ऊपर, तो ध्यान से सुनना। तो इधर प्रॉपर्टीज लिख लो, उसमें पहला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोल ही नहीं सकता इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं हम वो इसी की मदद से हम ड्राइव करेंगे। तो ये तो ब्रह्मास्त्र, तुम्हें ऐसे याद रखना है, मतलब ये तो चलो एक काम करो, ऐसे लिख लो तुम इसको 2i, और इस साइड लिख लो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इतना पार्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए। क्या लिखा है ये, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो दोनों मैट्रिक्स है, इधर ये क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये तो एक स्केलर है, इनटू आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको एकदम 10 बार मन में बोल लो इस फॉर्मूले को, क्या ए इनटू एडजॉइंट, अभी हम ड्राइव भी करने वाले हैं, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन के लिए क्या किया हमने, देखना ध्यान से, पहले मैंने ए मैट्रिक्स को माना A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ठीक है, अरे C1, C2, C3 को फैक्टर वाला टर्म यूज, एक काम करते नाम चेंज कर लेते, इसको D1, D2, D3 बोल रहा हूँ मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ बिकॉज C के लिए मैं को फैक्टर का यूज टर्म यूज करने वाला हूँ। अब सुनना, और अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब सुनना ध्यान से, क्या किया, पहले एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर का निकालना पड़ेगा, तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखी, देखो CA1 CA2 CA3, चलो एक कम करो, इसको C1 C2 C3 ले लो, ठीक रहेगा, C1 C2 C3 वो भी रह सकते हो, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, फिर CB1 CB2 CB3 CC1 CC2 CC3, ये क्या मेरा इसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब एलिमेंट्स को मैंने किससे रिप्लेस किया, उसके कोफैक्टर्स से। अब देखना, अब एडजॉइंट लिख लेता हूं मैं, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, तो देखना इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेरिवेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेप, इसलिए ध्यान दो। इधर हो गया CA1 CA2 CA3 CB1 CB2 CB3 फिर CC1 CC2 CC3, ठीक है चलो। अब देखना, अब क्या करें हम इसको LH इसमें रख देते हैं, इन दोनों मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग बॉस करके कॉपी करो, मैं इस पार्ट को इधर रब कर रहा हूँ, इस वाले को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम शिफ्ट रबिंग दिस पार्ट जिस कॉपीड, और इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, इधर हो गया मेरा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए तो ये आ गया, और इधर एडजॉइंट लिख रहा हूं, क्या था वो कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज था, इधर क्या आया था CA1 CA2 CA3 CB1 CB2 CB3 CC1 CC2 CC3, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम, अच्छा अब उससे पहले मल्टीप्लाई करने के पहले एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि तुम्हें पहले बताया, दो बार बताया था और इंपॉर्टेंट बोला था कि जब भी हम डेल्टा निकालते हैं, डेल्टा निकालते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी रो लेते हैं, उस रो के एलिमेंट्स को क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और ऐड करते हैं उस रो, समझ में आया। तो जैसे अगर मान लो मैंने रो 1 के थ्रू इवैल्यूएट कर रहा हूं, तो लेट से इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, A1 CA1 प्लस A2 CA2 प्लस A3 CA3,
ये बताया था, ये डेल्टा के बराबर होता है। और एक चीज और बोली थी मैंने कि अगर एलिमेंट्स तो मैंने लिए रो वन के, लेट से रो वन के लिए A2A1 A2A3, और कोफैक्टर ले लिए मैंने किसी और रो के, तो लेट से मैं बी के ले रहा हूं, तो CV1 CV2 CV3। बताया, याद आया आप कुछ कि एलिमेंट्स तो मैंने लिए रो टू के और कोफैक्टर लिए मैंने रो वन के, या फिर वाइस वर्सा, तब क्या होगा उनका सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अब ये दो चीज मैं इधर यूज करने वाला हूं, ठीक है, तो देखना ध्यान से, इसको भी लिखना है तुम लोगों को। तो देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना इसका रो वन इसके कॉलम वन से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, A1 into CA1 A2 into CA2 A3 into CA3, तो क्या हुआ डेल्टा। तो मेरा पहला एलिमेंट क्या आएगा था, डेल्टा। इस टाइप की चीज हम डिटर्मिनेंट में भी किए थे, ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये रो वन पकड़ के रखा, इसका कॉलम टू लेते हैं, तो A1 into CB1 A2 into CB2 A3 into CB3 क्या है, जीरो। एलिमेंट्स तो क्या है हमारे रो वन के, और कॉलम जो वो कोफैक्टर हमारे दूसरे कॉलम के रो के हैं। सिमिलरली व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस विद कॉलम थ्री, अगेन यू विल गेट जीरो, दैट इट शुड वेरीफाइड। तो इसी प्रकार अब मैं इधर का रो टू उठाऊंगा, फिर इधर का कॉलम वन, अगेन यू विल गेट जीरो, फिर इधर का रो टू, इधर का कॉलम टू, तो B1 CB1 B2 CB2 B3 CB3, क्या मिलेगा, डेल्टा। सिमिलरली विल गेट हियर जीरो, इधर अगेन जीरो, इधर जीरो, इधर डेल्टा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब क्या करें हम, अब देखना, अब क्या किया, डेल्टा कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा मतलब क्या है, बेसिकली डेल्टा लिखा है मैंने, मतलब इसके हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट, तो मैं इधर डेल्टा को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये भी हो गया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या करें, जो भी एलिमेंट कॉमन है उसको कॉमन ले लेते मैट्रिक्स से बाहर, तो दिख रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूँ, और अंदर क्या मैट्रिक्स बनेगी, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो क्या, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चों, क्या किया हमने, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए प्रूफ कर दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। उसको टिप्स पर रखना है जैसा कि मैंने बोला, ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार प्लीज गो थ्रू करो वीडियो को, रिवाइंड करके दोबारा देखो, ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है फिर मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो अब हम इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, मूव करते हैं, देखना। तो इसको कॉपी कर लो तुम लोग, अब जितनी प्रॉपर्टीज है कुल मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इधर से ड्राइव होंगी, इसलिए ये बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी पेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ ड्राइव होने वाला है आगे। देखना चलो, अब मैं निकल रहा हूं, लिख रहा हूं सेकंड वाली। अब क्या किया, देखना मैंने, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तब मैं लिख रहा हूं, तब मैं इस डिटरमिनेंट को, ये जो मॉड ए लिखा है इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कॉन्स्टेंट है, चाहे मैं इसके नीचे लिख लू, चाहे इसके नीचे लिख लू, या कॉमन लिख लू दोनों के नीचे, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे लिख लिया। ये बताऊंगा क्यों लिख रहा हूं, एंड दिस इज विल बी, इधर क्या बचेगा, आई। कब लिख पा रहा हूं मैं ऐसा, जब मॉड ए इज नॉट जीरो, मॉड ए जीरो नहीं तब मैं ऐसा लिख पा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम इनवर्स वाले पार्ट पे। थोड़ा सा मैंने तुम्हें बताया था, जैसे 2 का इनवर्स कितना होता है, वो नंबर जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, फिर मैंने बोला 3 का इनवर्स क्या होता है, जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से मैंने मैट्रिक्स में बोला था कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन आई विल से ये इसका इनवर्स है या फिर ये इसका इनवर्स है, ठीक है ना, बी इज इनवर्स ऑफ ए या फिर ए इज इनवर्स ऑफ बी। अब ध्यान से देखो तुम, ए इंटू सम मैट्रिक्स इज नथिंग बट आई, तो जो ये मैट्रिक्स दिया, जो मैंने सर्कल बनाया है, वो क्या होगा बेसिकली, ए का इनवर्स, तो ये हमारा प्रूफ हो गया इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, क्या आ गया इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बोला था, इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटरमिनेंट शुड नॉट बी जीरो, तो दिख रहा है इधर डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैंने बोला भी था डिटरमिनेंट जीरो नहीं तभी मैं उसके नीचे लेके आया था, इस वाला तभी इनवर्स डिफाइन होगा। तो इनवर्स को डिफाइन होने के लिए एकमात्र कंडीशन है, क्या है वो, अपना क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, क्लियर है, इनवर्स के लिए एक ही कंडीशन है, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस, कि इनवर्स आया क्या, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा, अब इनवर्स को हम एक तो इस फॉर्म में याद रखेंगे,
और एक और जो सबसे इससे भी ज्यादा जो यूज होगा, क्या करेंगे हम इस फॉर्म इस वाले डिटरमिनेंट को इधर लेके आएंगे, तो इसके इससे मैं रिजल्ट लिखूंगा देखना क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अभी आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, काफी जगह यूज करने वाले हैं ये और ये, दिस और दिस, ये फिर भी कम यूज होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए होगा। देखो इनवर्स क्या है ना, कि हमें इनवर्स की फील आती है कि इनवर्स क्या है, एक रेसिप्रोकल टाइप की चीज है, बट एडजॉइंट पता नहीं चलता क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम डील करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो हम जहां भी एडजॉइंट लिखा होगा उसको हम इसमें डील करेंगे। बेसिकली एडजॉइंट अगर ध्यान से देखो तो क्या है कि एक एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू सम कांस्टेंट, मतलब एक तरीके का एडजॉइंट क्या होता है, उस मैट्रिक्स को इनवर्स कर देता है उसका, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर आगे चल के हम देखेंगे भी, इस एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाला, मतलब मैंने क्या किया, एक बार एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, आगे हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। अब खुद सोचो इधर क्या आएगा, देखो इधर एक तो कॉन्स्टेंट आएगा। अब देखो मैंने क्या बोला, एडजॉइंट क्या करता है, मैट्रिक्स को इनवर्स कर देता है, तो इनवर्स किया, और फिर इधर क्या आएगा, इसमें तो इनवर्स किया, फिर एक बार और इनवर्स कर देगा, तो इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स हो जाएगी, तो सम कांस्टेंट इनटू ए आएगा। अभी हम जाके प्रूव करेंगे ये कांस्टेंट क्या आता है, समझ में। तो एक बार मन में दिमाग में बिठा लो फील के लिए कि एडजॉइंट क्या करता है, बेसिकली इनवर्स कर देता है, सम एडजॉइंट ऑफ सम मैट्रिक्स क्या होता है, सम कांस्टेंट टाइम्स उसका इनवर्स, मतलब एक इनवर्स तरीके का चीज है, ठीक है, इसको दिमाग में रखो, क्योंकि हम क्या करेंगे, जहां भी एडजॉइंट यूज होगा करेगा हमारा प्रूफ में, डेरिवेशन वगैरह में, तो उधर हम ये फैक्ट यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। तो इसको भी 10 बार मन में बोल लो, जैसे मैंने इसको बोला था बोलने को, और उसी प्रकार इसको बोल लो, इससे ज्यादा बेटर यूज होगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, उससे पहले तुम लोग क्या करो, इसको कॉपी कर लो। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और एक एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो इनवर्स, जैसे मैं इनवर्स लिखवा नहीं रहा हूं, कैसे निकालेंगे, जैसे 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस का, क्योंकि अभी हमने देखा इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, तो तुम्हें एडजॉइंट तो हमने निकाल ही दिया था, बस उसको क्या करना है, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो वो तो लेबर वर्क हो जाएगा, तो अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, तो दिस विल बी आई थिंक अब थर्ड प्रॉपर्टी, देखना क्या लिखवा रहा हूं मैं, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1। एक इनवर्स मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसने बोला फाइंड द इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ इट इज इनवर्स, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम उसका इनवर्स निकाल लें उसके बाद डिटरमिनेंट लें, नहीं नहीं, क्योंकि इनवर्स निकालना अपने आप में टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता होगा तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे पहले, और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, समझ में आया। क्या बोला, अगर मान लो ये प्रॉपर्टी नहीं पता होता तुम्हें, तो क्या करते तुम लोग, एक जनरल प्रोसीजर क्या होता, हम पहले उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, फिर वो इनवर्स आ जाता, उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते, बट इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, अभी हम प्रूफ भी देखेंगे इसका। हमें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स दी है उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट विल बी नथिंग बट डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इट्स इनवर्स। क्लियर है बच्चों, चलो अब हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो इसके प्रूफ के लिए देखना मैंने क्या किया, A into A inverse, जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, A into A inverse आई होता है। अब क्या किया, दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ A into A inverse is equal to, और डिटरमिनेंट ऑफ I कितना हो जाएगा, 1। अब मुझे पता है A एक मैट्रिक्स है, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ऑफ A into B क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ B, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ, सॉरी, A इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो फाइनली यहां से क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1/ डिटरमिनेंट ऑफ A, हेंस प्रूफ्ड। एक लाइन, दो, मतलब दो तीन लाइन का प्रूफ है, दो लाइन का, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, बट पता होना चाहिए कि हमने क्या किया, ऐसे नहीं बोलेंगे -1 को ऊपर उचका के ले गए, ठीक है, लेके गए, बट क्यों लेके गए, दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। तो इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट ले लो, उसका रेसिप्रोकल ले लो। क्लियर है बच्चों, चलो अब हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद, देखो देखना, अब देखो k टाइम्स a का इनवर्स, वेयर k इज स्केलर,
और ए मेरा क्या है मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स डिवाइड बाय के। एक बार क्या करो, खुद से कोशिश करो इसको प्रूव करने का, ठीक है ना। मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ। तो देखो उससे बोला के ए का इनवर्स, के सम स्केलर, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इज ए इनवर्स डिवाइड बाय के। तो अब हम क्या करें, अब हम बेसिक रूल यूज करते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स होती है, लेट्स से मैं बी नाम दे रहा हूँ, बी इंटू बी का इनवर्स, किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे को आएगा इधर आई। अब मैं बी की जगह क्या रख रहा हूँ, के रख रहा हूँ, बी तो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो बी की जगह मैंने इधर के रखा, के ए, तो के ए इंटू के ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब क्या किया, के तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इधर से ए हटाने के लिए मैंने क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, क्या किया प्री मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, तो इधर से आ जाएगा ए के इंटू ए इनवर्स इंटू ए इंटू के ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। तो ए इनवर्स इंटू ए इज आई, और आई इंटू दिस कोई भी मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा के टाइम्स के ए का इनवर्स इज इक्वल टू, इधर हो गया ए इनवर्स, तो फाइनली यू विल गेट के ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डिवाइड बाई के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है ना। इसका भी अभी आगे जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब में इनका यूज होगा, प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। तो क्या लिखा, के ए का इनवर्स क्या लिखेंगे, ए इनवर्स, और के क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर, वही हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी करो, मैं आगे की प्रॉपर्टीज देखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, मतलब ये समझ लो कि 80% चांसेस है प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आने का, ठीक है। अब हमने चार देख ली, अब फिफ्थ वन देखना। अब एडजॉइंट पे जाते हैं, इनवर्स हो गया एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए, वेयर अगेन के इज स्केलर और ए मेरा मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ के क्या होगा, इसको पहले मैं लिख लेता हूं, उधर के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे आया, पहले एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो देखना आगे का, ठीक है। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ अगेन। अब मैं क्या चीज यूज कर रहा हूँ, बेसिक वाली चीज, कि अब मैं यूज कर रहा हूँ ये वाली, एड जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ये मैंने बोला था, ये क्वेश्चन जो सेकेंड वाला था प्रो, उसमें मैंने प्रूफ किया था, सेकेंड प्रॉपर्टी में हमारा ये था, ठीक है। उसमें मैंने बोला भी था कि आगे हम यूज करने वाले हैं प्रॉपर्टीज को ड्राइव करने के लिए फर्दर। तो अब मैं ए की जगह क्या रखा हूं, के रख रहा हूं इसमें, तो मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ के, के भी एक मैट्रिक्स होगा, तो मान लो बी है ये मेरा, तो बी की जगह के रख दिया, इधर क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू के ए का इनवर्स। अच्छा तो ये चीज तो मुझे चाहिए, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब सुनना ध्यान से, अब हमारी प्रीवियस वाली चीज और यूज होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होता है, के एक स्केलर है, तो के को मैं डिटर्मिनेंट के बाहर लेता हूं, तो क्या होता है के की पावर एन हो जाता है, तो ये क्या हो गया के की पावर एन, इधर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये वाला अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी, के ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स डिवाइड बाय के, अभी पढ़ी इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी। अब एक के इधर से चला गया इधर, तो कितना बचा के की पावर एन माइनस वन, और इधर क्या बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो ये चीज तो आ गई हमारी, अब ये दिख रहा है, ये तो बेसिक वाली डेफिनेशन है, इसी को उल्टी डायरेक्शन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। अगेन इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पहले वाला था, बट ठीक है इंपॉर्टेंट तो है, समझ में आया बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करके कॉपी करो, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। फिर पांच हो गई हमारी, अब देखना एक एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट के ऊपर है ये, सिल्वर सिक्स्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। अब तुम्हें एन माइनस वन देख के एक चीज क्लिक करनी चाहिए, हमने डिटर्मिनेंट में कुछ तो पढ़ा था, कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट कैपिटल डेल्टा था, और कैपिटल डेल्टा को मैंने क्या बोला था स्मॉल डेल्टा की पावर एन माइनस वन, वही तो चीज लिखा है इधर। क्योंकि अब एक बार हम दोनों तरीके से देखेंगे, पहले मैट्रिक्स से देख लेते हैं, अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो अगेन आई विल यूज द बेसिक प्रॉपर्टी, क्या एडजॉइंट ऑफ ए, चलो इसको हम
ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बेसिक फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था, जो हमने ड्राइव की थी उस वक्त बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं मैं इसमें, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूंगा। तो ये दो मैट्रिसेस हैं, एक तो ए और एक एडजॉइंट ऑफ ए, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए, चलो लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब सुनना, ये तो एक कॉन्स्टेंट है, तो ये एक आई है, तो इस कॉन्स्टेंट को मैं बाहर लूंगा डिटर्मिनेंट के, तो क्या आएगा, पावर एन आएगा। तो इधर क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, और इधर क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और इधर क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक एक पावर से इधर गया, एन माइनस वन हो गया, तो फाइनली क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज वन। तो ये कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, हेल्प प्रूफ, यही हमें देखना था, ठीक है। अब सुनना, ये तो हो गया मेरा मैट्रिक्स मेथड से मैंने प्रूव किया। अब देखो इसी चीज को हम एक बार मैं रिकॉल करते हैं, हम जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था तो उधर मैंने एक बताया था, एक डेल्टा सी होता है, ये होता है डेल्टा की पावर, आई होप कि बहुत लोगों को याद भी होगा, होना भी चाहिए, कोई ज्यादा पुराना तो हुआ नहीं है। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा की पावर एन माइनस वन। अब सुनना इधर, डेल्टा सी क्या था मेरा, जो कोफैक्टर से बनती थी मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब जो मेरा एडजॉइंट है वो बेसिकली कोफैक्टर का ट्रांसपोज ही तो है, और मुझे क्या पता है कि ट्रांसपोज लेने पे डिटरमिनेंट वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, हेंस डेल्टा सी जो होगा, इसका जो डिटरमिनेंट डेल्टा सी होगा वो सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा की पावर एन माइनस वन, मतलब मॉड ए रेस टू पावर एन माइनस वन। समझ में आया क्या रिलेशन हो रहा है, जो डेल्टा सी है बेसिकली उसी का तो ट्रांसपोज लेने पे वी आर गेटिंग एडजॉइंट, और मुझे क्या पता है कि ठीक है ट्रांसपोज लेने पे जो मैट्रिक्स बनती है वो मैट्रिक्स तो अलग होती है लेकिन उनका डिटरमिनेंट वैल्यू तो सेम होता है, हैज एडजॉइंट का डिटरमिनेंट और कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट विल बी सेम, हैज बोथ आर इक्वल्स टू डेल्टा रेस टू पावर एन माइनस वन। तो क्लियर हुआ दोनों मेथड से, एक प्रीवियस डिटरमिनेंट और एक ही हो गया मैट्रिक्स मेथड, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, चलो चलो मैं इसको अभी कर देता हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। अब देखना, सिलेबस सेवन अगेन इंपॉर्टेंट वन, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया भी था जब अभी एडजॉइंट बता रहा था, तो उसमें क्या बताया था, एडजॉइंट क्या करता है बेसिकली मैट्रिक्स का इन्वर्स कर देता है, फिर मैं दो बार एडजॉइंट लूंगा तो क्या होगा, इन्वर्स का इन्वर्स, तो मतलब इधर ए तो आने वाला है, ए तो पक्का आएगा, अब इधर बचा हुआ क्या आएगा वो लिख देते हैं और उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर एन माइनस टू इंटू ए। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसा कि अब मैंने बोला था, जो हमारी मैक्सिमम जो डेरिवेशन है वो पहले दो रिलेशन से यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज अ हिंट फॉर यू कि उन दोनों में से कोई एक चीज यूज करके ट्राई टू प्रूव दिस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये हमें पता है बेसिक डेफिनेशन, मतलब जो प्रॉपर्टी टू था उसके हिसाब से, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, मतलब इसमें ए में कोई भी मैट्रिक्स रखूं। अब मैंने क्या किया, ए की जगह ये लाने के लिए, खुद सोचो क्या रखूं मैं, ए की जगह ऊपर वाला एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं इतना पार्ट रख देता हूँ, तो मैंने इसी के अंदर ये रख दिया, मतलब इस वाले डिटरमिनेंट, इस वाले इक्वेशन में ए की जगह आई हैव सब्स्टिट्यूटेड एडजॉइंट ऑफ ए, तो इधर क्या मेरा आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अभी मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने कैपिटल ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया, जहां जहां कैपिटल ए था, मैट्रिक्स ए था, उसको एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस किया। अब देखना, ये तो मुझे चाहिए तो इसको तो ऐसे एडिटिव रहने दिया। अभी अभी पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, इधर अगेन वो यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स और इसका इनवर्स। तो इसको तो मैंने ऐसे इट इज रहने दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। अब देखना एक और चीज, अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी थी हमारी, आई थिंक थर्ड या फोर्थ, के इंटू ए इनवर्स,
का इनवर्स क्या, सॉरी के इंटू ए का, चलो इधर लिख लेता हूँ, के इंटू ए कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या होता है, के सॉरी ए इनवर्स डिवाइड बाय के। अब देखना, देखो जो मैट्रिक्स है इधर, जो मैट्रिक्स है उसका तो इनवर्स ले लिया, तो ए इनवर्स का इनवर्स आएगा इधर एक, तो अभी हम देखेंगे ए इनवर्स का इनवर्स अपॉन के नीचे आ गया, इधर के क्या था डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी मैं, तो ये फाइनली मेरा बना डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, और इधर बना ए, ए इनवर्स का ए क्या हो जाएगा, इनवर्स का दोबारा इनवर्स ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, हैंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, समझ में आया बच्चों, तो इंपॉर्टेंट प्रूफ है, डेरिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक डेरिवेशन, केवल हमें रिजल्ट याद नहीं रखना है, क्योंकि रिजल्ट में क्या होगा, हो सकता है कन्फ्यूजन भी हो जाए, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे तो माइट भी तुम्हें याद भी रहे, जब हम मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, तो हर एक फॉर्मूला याद करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जरूरी है याद करना फॉर फास्ट कैलकुलेशन, बट मान लो कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो अगर तुम्हें डेरिवेशन याद है देन यू कैन ड्राइव देयर ओनली, ठीक है ना, तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, बेस्ट जब होगा, क्योंकि एक बार एक मिनट के लिए अगर भूल गए हम फॉर्मूले में, कुछ कंफ्यूजन हो गया एन माइनस वन था या एन माइनस टू था, तो हम डेरिवेशन तो तुरंत उस वक्त कर सकते हैं ना उधर, ठीक है। चलो अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद, तो तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो, अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है उसको पहले देख लेते हैं, स्टूडेंट आई विल नोट इट डाउन, बहुत छोटी छोटी है, उसके बाद हम एंड अप करेंगे इस लेक्चर को, तो जो भी नंबर है लिख लेना, आई थिंक 8 है। देखना जैसे कि मैंने ट्रांसपोज में बोला था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ, इनवर्स के लिए वही है, ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब चाहे इधर दो की जगह तीन मैट्रिक्स दी हो, तो लेट्स मैंने ऐसे लिख लिया ए बी सी इसका इनवर्स, तो क्या होगा उल्टा करके सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, जस्ट लाइक ट्रांसपोज, ठीक है ना। चलो अब देखना, अब क्या किया मैंने, अब इधर ए बी सी के मैंने क्या बोला, कितने भी ले सकते हैं, के नंबर ऑफ मैट्रिक्स ले ली, तो ए चलो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए की पावर के का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के का ट्रांसपोज ए के माइनस वन का ट्रांसपोज, सॉरी इनवर्स की बात कर रहे हैं, इधर से इनवर्स लगा दो, इधर ट्रांसपोज की जगह इनवर्स एंड सो ऑन, ए टू इनवर्स ए वन इनवर्स। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें मैंने सभी मैट्रिक्स को बराबर डाल दिया, तो इधर क्या हो जाएगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए की पावर के हो जाएगा, के टाइम्स दिया है, तो देखना इंपॉर्टेंट चीज, ए की पावर के का इनवर्स इज इक्वल टू इधर क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स के टाइम्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की पावर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं इसी टाइप के छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, अभी बताया था ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी दिन के डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, जितना जरूरी था डेरिवेशन वो मैंने बता दिया है। और लिख लो एक और चीज है, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, जनरली जो बच्चे लोग गलत करते हैं जल्दी जल्दी में, ए प्लस बी का इनवर्स इन जनरल इट इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, इसके बराबर नहीं होता है, हमें ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है ना, ट्रांसपोज के लिए कर सकते हैं, साइड में लिख लो ट्रांसपोज के लिए सही था वो, क्योंकि क्या होता है ट्रांसपोज की जैसी प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसपोज की तरह बच्चे लोग इधर भी गलती कर देते हैं, इधर भी लिख देते हैं कि इनवर्स को वी कैन ब्रेक, वी कैन नॉट ब्रेक इट लाइक दिस, ट्रांसपोज में हो जाता था ब्रेक ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो याद रहेगा इधर भी लिख लो उस चीज को, कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब इसको अब कुछ एडजॉइंट से रिलेटेड और देख लेते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलो तो इनवर्स से रिलेटेड हो गई, अभी एडजॉइंट की एक दो और देख लेते हैं, देखना एडजॉइंट की हमारी वो जैसे कि मैंने रिवर्सल लॉ बोला था ट्रांसपोज में इनवर्स में, उसी तरीके से एडजॉइंट में होता है, तो नंबरिंग आई थिंक 13 जो भी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, रिवर्सल लॉ, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसी को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ, जैसे मैंने ए बी की जगह तीन ले लिया, तो तीन के लिए लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया मान लो के टाइम के मैट्रिक्स हैं ए वन ए टू एंड सो ऑन ए के हैं, तो क्या लिखूंगा उल्टा करके लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के माइनस वन एंड सो ऑन एडजॉइंट ऑफ ए वन,
ठीक है। अब मैंने बोला सारे मैट्रिसेस को मैं ए सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो इधर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के, और इधर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इसकी पावर के। अच्छा इसमें एक और देख लेते हैं, ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट विल बी इक्वल्स टू, पहले एडजॉइंट निकाल लो और उसके बाद ट्रांसपोज ले, जैसे इनवर्स में किया था, वन टू रेप्लिका एकदम, कुछ डिफरेंट नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट किया, ठीक है ना। चलो तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया, तो उसका हम डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने इन सबके डेरिवेशन नहीं लिखे, बहुत ही सिंपल है, यू कैन टेक एग्जांपल एंड वेरीफाई बोथ द साइड, ठीक है ना। अच्छा अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, जो कि 15वां। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, देखना ध्यान से बच्चों। मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आने वाला है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। इसी इसी प्रकार अभी मैं एक और लिखूंगा, चलो इधर लिख देता हूं, हालांकि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, पहले इसके लिए एक, फिर एक ये ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का क्यूब, ठीक है। जैसे जैसे एडजॉइंट बढ़ाते जाएंगे उधर ये पावर बढ़ती जाएगी, तो फिर पता चल गया होगा क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, तो देखना मेथड वन क्या किया, बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं पहले, क्या थी हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, सॉरी ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, ठीक है चलो। अब एक ही जगह मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, तो इधर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, चलिए एक काम करो इसको ऐसे ना करके, इसको मैं कैसे करूं, एक काम करते, जो हम डेरिवेशन किए थे ना इसका उससे कर लेते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए याद है, ये हम निकाले थे अभी, क्या निकाले थे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, बोला था इनवर्स, दो बार एडजॉइंट लगाया तो इनवर्स का इनवर्स ये आएगा, सम कांस्टेंट आएगा, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना, आई थिंक सेवंथ और एट प्रॉपर्टीज में। अब क्या किया, मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड, तो ये डिटरमिनेंट लिया तो इधर भी डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। अब देखना ये तो एक कांस्टेंट है के, तो इसको जब मैं बाहर लूंगा तो पावर एन बन के आएगा, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, इसकी पावर एन आएगा और इधर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखना ये क्या लिखा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन इंटू एन माइनस टू, और ये लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए, फाइनली क्या बना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, विच इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। वही तो मुझे प्रूफ करना था, समझ में आया बच्चों, तो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेशन, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अगेन बेसिक डेफिनेशन यूज करके, एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, देखना मेथड टू, इसके बाद हम एंड अप करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, सॉरी एक मिनट, एक कम इससे मत करो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अब क्या किया, ए की जगह एडजॉइंट ए डाला, तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। अब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, वही मुझे निकालना है, तो मैंने एक मिनट के लिए अल्फा बोल दिया, इज इक्वल टू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ इसका डिटर्मिनेंट, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट होगा, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर
एन ये कॉन्स्टेंट है बाहर के भर के आएगा इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब देखना इधर से मेरा अल्फा क्या आया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ ठीक है करेक्ट है करेक्ट है। तो अब देखना ये हो गया मेरा अल्फा इज इक्वल टू कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो ध्यान से देखो वो इंटरेस्टिंग है ये प्रूफ, अब की पावर एन माइनस वन। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हम पढ़े थे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, और एक ऑलरेडी एक पावर एन माइनस वन है, तो ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दूसरे तरीके से। तो और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तुमने हर एक प्रॉपर्टीज तुम्हें दिमाग में है तो तुम कैसे भी करके इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला तुम्हारा कि जो भी प्रॉपर्टीज आज हमने पढ़ी उसमें दो जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, मैं एक बार और इधर लिख देता हूँ उसको, आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद भी 5-6 बार मन में बोलना, क्या, एक तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और एक ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, ये दोनों ही मतलब बोल सकते ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टीज के लिए जो भी प्रॉपर्टीज हमने ड्राइव की आज वो इन दोनों से ही आई, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा आज के लेक्चर में, काफी इंटरेस्टिंग मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का मैट्रिसेस का लेक्चर था आज का, मतलब ये समझ लो पूरे मैट्रिसेस में 30 से भी ज्यादा मतलब 40% अराउंड क्वेश्चन जो है वो आज के लेक्चर पे डिपेंड करते हैं, और आज हमने केवल प्रॉपर्टीज देखी, इनका एप्लीकेशन क्वेश्चन में कैसे होगा, न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।